हेलो गाइस, शाही सेल्फी आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई आपके साथ एक बार फिर हाजिर है और अपने न्यू वी लॉग के साथ। ये वी लॉग है जो कल मैच हुआ है, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का बड़ा ही टाकरदार मुकाबला हुआ था। उसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूं कि लाहौर कलंदर जो है उसने 180 रन बनाए थे, 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। उसके बाद मुल्तान सुल्तान जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं और इतनी फील्ड पे मेहनत करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही अच्छे से मिलते हैं और कैचिंग के अभी ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो मुल्तान सुल्तान है उन्होंने जो है उसको चेस करने के लिए जब ग्राउंड में उतरे तो उन्होंने 159 रन 7 विकेट्स डाउन पे जो है इसको चेज़ नहीं कर सके। तो मुल्तान जो है ये मैच हार गया था। मुल्तान ऑलरेडी जो है वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है और जो लाहौर कलंदर है वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है, मुल्तान सेकंड पे है। तो बहुत ज़बरदस्त ये मैच हुआ, बड़ा टाकेदार मुकाबला था क्योंकि दोनों टीमें जो इस वक्त PSL 8 की सबसे टॉप टीमें हैं। तो इन दोनों के जो मुकाबला ऑलरेडी ये क्वालिफाइंग कर चुके हैं फॉर प्ले ऑफ, लेकिन फिर भी इनको टॉप पर रहने के लिए जो मुकाबला था वो था कि कौन टीम टॉप पर रहती है। तो लाहौर कलंदर जो है ये मैच 21 रन से जीत गया था। लाहौर कलंदर में अगर मैं बात करूं शाहीन आफरीदी की, तो शाहीन आफरीदी को कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बॉलर इन पाकिस्तान और वर्ल्ड। जो शुरू के इनके दो ओवर हैं ना, खासकर पहला ओवर अगर देखा जाए तो पहला ओवर इन किसी को खेलना है बहुत मुश्किल है कि शाहीन आफरीदी को कोई खेले। बहुत ज़बरदस्त बॉल करते हैं और बहुत ही मेहनती, बहुत ही जो है वो हार्ड वर्कर, बहुत बेस्ट कैप्टन अभी इस वक्त साबित हो रहे हैं वो, जब से PSL में कैप्टन बने हैं लाहौर कलंदर के। लाहौर कलंदर की टीम जो है उसका मोराल बहुत अप हो गया और लाहौर कलंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सैम ब्लिंग्स हैं उन्होंने 54 रन बनाए थे 35 बॉलों पे। अब्दुल्ला शफी 48 रन बनाए थे उन्होंने 35 बॉल पे। मिर्ज़ा ताहिर बेग ने जो है इनके 17 रन बनाए थे 11 बॉलों पे लाहौर कलंदर। और जो मुल्तान सुल्तान है उनकी तरफ से कैरन पोलार्ड उन्होंने 28 पे 30 रन बनाए थे। है एरिन भी तो इन्जॉय करती है जब लाहौर जीत जाता है, क्योंकि एरिन वैसे तो कराची में, क्योंकि बैंड कटिंग कराची में उसको सपोर्ट करें, लेकिन कभी कभी लाहौर को बहुत करती है सपोर्ट। और मैच जब फिनिश हुआ उसके बाद ये रज़ा सिकंदर रज़ा और मोहम्मद रिजवान आपस में चैट करते हुए ज़बरदस्त। उसके बाद शाहीन आफरीदी जो है वो वहाँ काफ़ी बच्चे आए हुए थे उनके साथ, उनका स्टाइल करके फैशन करके बच्चों के साथ काफ़ी उन्होंने जो है इंजॉय किया। ये मैच बिल्कुल एंड था तब उसके उस वक्त इन्होंने किया था, तो बच्चे जो है उनका साइन बना के कोई ऑटोग्राफ कोई कैप पे कोई शर्ट्स पे ऑटोग्राफ ले रहा था और शाहीन ने भी जो है बिल्कुल बच्चों के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। तो लाहौर कलंदर ये मैच जीत चुका था। लाहौर कलंदर इस वक्त टॉप पे हैं और सेकंड पे मुल्तान सुल्तान हैं और बाकी देखना ये है कि आगे मुकाबले में कौन जीतता है। मैं अपने न्यू वीलॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।